नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। दोस्तों आज 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों जैसे आपको पता ही है, कल मैं वीडियो नहीं बना सका, भोलेनाथ जी के धाम में गए थे जी, श्री चूहड़दार जी में, श्रीगुरु महाराज जी के स्थान पर वहां जाके आए, तो बहुत अच्छा मौसम था, तो लेट हो गया, आज रास्ते में गांव में ही रुक गया, पर अपडेट देना जरूरी था, कल भी काफी कमेंट आ रहे थे। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज की क्या रिपोर्ट है, दिल्ली मंडी में कितनी गाड़ियां आई, कैसी बिक्री चली, कहां कहां के माल आए, चलिए जान लेंगे, फोन से इंटरव्यू होगा ये। बाऊजी राम राम जी। बाऊजी कैसी तबीयत है जी? बढ़िया भाई साहब, तबीयत सब बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा आप भोलेनाथ के यहाँ हाजिरी लगा के आए। हाँ जी, और हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर देना चाहिए था, अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ दुआएं मांग लेनी चाहिए थी। मैंने तो उम्मीद है आपने जरूर मांगा होगा, मेरी वीडियो देखना, मैंने तो अपने लिए और अपने व्यूअर के लिए तो मांगा, मैं तो दुश्मनों के लिए भी मांग दिया, अभी उनको भी नोट दे देना। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि दुश्मन भी मजबूत होना चाहिए, ऐसा न हो कि देखो जी कहावत है जी, कर भला तो हो भला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि दुश्मन भी जो सामने मजबूत होगा ना लड़ने में, तभी नजारा आएगा, और जो दुश्मन के पल्ला कुछ नहीं है फिर क्या नजारा, फिर लड़ाई का भी नजारा नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए जी। हमने तो ऐसी मांग कर दी भी, जो हमारे से जलते हैं ना उनको इतने नोट दो, सारी जिंदगी नोट ही गिनते रहे जी। नहीं तो भगवान का, नहीं नहीं भाई, इतना भी नोट नहीं चाहिए कि भगवान को भूल जाए। उनको खाली नोटों से मतलब है ना, हम तो अपने लक्ष्य में लगे, हमको तो भगवान की जरूरत है, नोटों की जरूरत है। मैं जी वही कह रहा हूँ कि भगवान इतना दे कि कोई अभाव ना रहे। हाँ जी हाँ जी, भगवान को भी ना भूले। ठीक है जी, बाकी सब किसानों के लिए मांग लिया जी, भी किसी की आज्ञा हाथ ना पिसारना पड़े जी। हाँ जी, और जैसा रेट अब की बार रहा, अगले साल भी ऐसा ही रहे जी। सदा सदा ही ऐसा रहे जी, अगले साल का भाई साहब 45 गाड़ी क्या अवेलेबल है। अच्छा जी, और यार समझिए इसमें और 6 गाड़ी है नैपेड पे। हाँ जी, और इस 45 गाड़ी में 8 गाड़ी है एलसीसीएफ की। अच्छा जी, और 14 गाड़ी एमपी है, 12 गाड़ी राजस्थान है। हाँ जी, और 3 गाड़ी कर्नाटका है। हाँ जी, नई प्याज, और दो गाड़ी कोल्हापुर साइड की नई प्याज है। अच्छा जी, 3 गाड़ी पूना है और 3 ही गाड़ी नासिक है। अच्छा, तो दिशावरी माल तो देखो जी, दिशावरी माल में सिर्फ मान के चले आप खाली 14 गाड़ी एमपी है। अच्छा जी, बाकी नासिक पूना 3-3 गाड़ी और राजस्थान 12 गाड़ी। अच्छा जी, और 8 गाड़ी एलसीसीएफ की है और 6 गाड़ी है ये नेफेड पे। अच्छा जी, तो नेफेड की तो 6 गाड़ियां हो तो 12 बजे सेल आउट होंगी। ये तो लगा लो कि 14 गाड़ियां तो ये सरकारी होगी जी इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और साथ में ये जो नई कितनी आई जी, 3 आई आज? नई आ गई जी 5 गाड़ी, 2 कोल्हापुर की और 3 कर्नाटका की। अच्छा जी हाँ, ठीक है जी, ये तो ये लगा लो कि 50% अराइवल दूसरी होगी और 50% वैसी किसानों की और व्यापारी होगी। यही मान लीजिए जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, तो मार्केट क्या करी, कल कैसा था? देखो जी आम मार्केट तो जो जनरल माल है, जनरल मालों की तो वही पोजीशन है 40 रुपए से लेके 45-46 रुपया। अच्छा जी, जो जनरल मार्केट है। हाँ जी, बाकी जो मासा कोर क्वालिटी माल है, एक्स्ट्रा सुपर माल है, एमपी के भी माल बिके हैं, वैसे 1900-1950 रुपए, 2050 रुपए भी 1 लाख कहीं बिका है एमपी का बढ़िया माल। अच्छा जी, अच्छे माल जो एमपी के हैं जी वो भी 45 रुपए से लेकर 97-98 रुपए वो भी बिकने लगे हैं। अच्छे माल जो एवरेज माल है वो तो वही बिक रहे हैं जी, समझो 40-45 के बीच में। वाह जी वाह, तो भोलेनाथ की पूरी कृपा है, अभी इतनी इतनी जगह का माल आने के बाद भी लोग देख के डर जाते हैं और फिर भी बाजार में करंट पूरा है जी। हाँ जी हाँ जी, बाकी पूना का माल जब, क्योंकि पूना की गाड़ियाँ कम है। हाँ जी, तो मासा कोर क्वालिटी माल जो पूना के वो जरूर बिके हैं जी, 50 रुपए से लेके 52-53 रुपया, 50 से 52-53 रुपए तक जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 21-21.5 रुपए तक बिकी है। अच्छा भाऊ जी, एक मिनट, अब पूना के नाम से याद आ गया, कुछ 2-3 दिन पहले वीडियो में कमेंट आए थे, वो कह रहे भी हमारी जिज्ञासा है, अभी मेहनत हम बहुत ज्यादा करते हैं, सारा काम करते हैं, एमपी वालों का कमेंट था, अभी हम इतना जोर लगाते हैं, अभी खेत में ही खाना खाते हैं, कि पूना का प्याज इतना महंगा क्यों जाता है और क्या क्वालिटी है, कारण क्या है कि हम क्यों नहीं बना पाते, क्या कारण है? अब ये तो जी उनको अपने आप से
बनेगा कि आप क्यों नहीं बना पाते हैं। या तो देखो जैसे इस बार दो साल से ये एमपी की पैट में प्रॉब्लम आ रही है डैमेज वाली। अच्छा जी, तो ये तो उनको देखना पड़ेगा कि या तो वो पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रहे हैं या यूरिया ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसकी वजह से प्याज दागी पकड़ जाती है। प्याज को जल्दी तैयार करने के चक्कर में या तो यूरिया वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्याज दागी होने लगती है। क्लाइमेट का तो नहीं कोई फर्क है जी वैसे वहाँ के मौसम को और यहाँ का जी? कोई नहीं जी, क्लाइमेट तो देखो एमपी और एमपी का क्लाइमेट तो बल्कि अच्छा है। आज के दो साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, ये प्रॉब्लम दो साल से यानी चालू हुई है वहाँ पर डैमेज वाली। नहीं, जो पूना का प्याज सबसे ऊपर जाता है, कभी से ऊपर जाता है पूना की क्वालिटी, तो पूना के कारण है वहाँ देखो पूना की क्लाइमेट और मिट्टी पानी का फर्क है। अच्छा जी, हाँ मिट्टी पानी और क्लाइमेट का भी फर्क है। देखिए पूना और नासिक की क्वालिटी में फर्क है। अच्छा जी, तो एमपी में क्यों नहीं फर्क रहेगा, आप खुद ही समझदार हो। अच्छा जी, जब आप समझ लो नासिक और पूना की क्वालिटी में फर्क है तो एमपी और पूना में फर्क क्यों नहीं रहेगा? ठीक है जी, यानी क्वालिटी का फर्क है जी ये? हाँ जी, ये क्वालिटी का फर्क है जी और ये कुछ मेरे ख्याल से मिट्टी पानी का फर्क है। अच्छा जी, हाँ जी, चलो जी, जितना भी देर पड़ जाता है ना उधर वाला जो एरिया है ना पूरा बेल्ट का, हाँ जी, इधर ये मंचर वाला मंचर वगैरह वाला बेल्ट है जो पहाड़ी एरिया, उधर भीमा नदी का पानी है और भीमा नदी का एरिया उधर पहाड़ी अच्छी पहाड़ी वाला, तो उधर का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है। अच्छा जी, पठारी इलाका है जी थोड़ा? हाँ, तो मतलब ये है कि कनेक्ट मतलब ये है कि और पानी भी अच्छा है ना उधर का। ठीक है, ये है कि पानी अच्छा है। अच्छा जी, हाँ, तो गुलाई उधर की पूना की मालों की गुलाई अच्छी आती है, प्याज में शाइनिंग होती है, पत्ती मजबूत होती है, ये दो तीन फर्क होता है जी पूना की प्याजों में। यानी बस सारे कारण बन गए जी, फिर भी वो मार्केट में 2-4 रुपए 5 रुपए ऊपर जाता है जी इनसे औरों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलो जी, ये भी कोशिश करेंगे जी, आगे तकनीक सुधारेंगे जी, नया बीज लाएंगे, जैसे राजस्थान वालों ने अब की बार वो पीली पत्ती लगाया था, पूना वाला प्याज लगाया था, बल्ले बल्ले हो गया। 3 साल से पीली पत्ती लगा रहे हैं राजस्थान वाले तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आज की और क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी है जी? नहीं, बिक्री ठीक है जी, बिक्री ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत कम है, अभी नहीं कह सकते बहुत जोरदार है, ठीक है बिक्री। अच्छा, सही है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिक्री सही है, तभी तो जी, तभी तो 52 रुपए तक माता कोर क्वालिटी माल 52 रुपए तक बिका। अच्छा जी, और पीछे मंडियों में कैसी हालात है जी, पीछे मंडियों में? देखो जी, पीछे की मंडियों में भी हालात ठीक है, वहाँ भी पोजीशन में नासिक की मंडियों में भी रायपुर का कोई खास प्रेशर नहीं है और ना अब मेरे ख्याल से पुराने का प्रेशर बनना भी नहीं है। अच्छा जी, तो वहाँ मार्केट वहाँ तो वही 46 रुपए से लेके 50 रुपए की मार्केटें रही है पीछे नासिक में सब जगह कल। अच्छा जी, वहीं पर 50 रुपए हो रहा जी? हाँ जी, वहीं पर 50 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, वहीं पर 50 रुपए हो रहा है और आप समझो कल एमपी भी देखो रायबरेली सब जगह भरपूर थी, लगभग 50,000 कट्टा से ऊपर बदनावर मंडी में था, 800 रतलाम में, 70-80,000 कट्टा के आसपास इंदौर में था, इतनी अराइवल के बावजूद भी मार्केट टाइट रही है। ठीक है, 38-39 रुपए से लेके 45 रुपए तक मार्केट चल रही है वहाँ पर एमपी में भी। तो ये लगा रहे जो 80-80,000 किसान निकाल रहे, फिर तो प्याज ये भी नहीं कह सकते कि किसानों ने प्याज रोक रखा, अब तो सब निकाल ही रहे जी। देखो जी, अब तो ये निकालने का टाइम आ रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, प्याज ये पुरानी प्याज अब ज्यादा तो नहीं रोक सकते, क्योंकि पता क्या है, किसान को भी पता है कि इसका एंड आ गया है। अभी ये पता क्या, बरसातें इतनी पड़ी है, अब हल्की से ठंड चालू हुई नहीं कि सारी प्याज उगनी चालू हो जाएगी सर। अच्छा जी, हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई किसान को समझ नहीं, किसान इसका अपनी फसल के बारे में उसको पूरा नॉलेज है, किसान ऐसी बात नहीं है, वो हर चीज देखता है, वो यही नहीं देखता कि ठीक है जी आगे सर्दी बढ़ सकती है, आगे ये भी तो खतरा है ना कि अगर जरा सी सर्दी पड़नी चालू हो गई तो प्याज उग जाएंगी सारी। ठीक है जी, बात आपकी ठीक है जी। हाँ, तो ये बाबू किसान निकालेगा, आज फिर अभी आगे सोयाबीन की कटाई आ रही है, अभी सोयाबीन में किसान सोयाबीन में लग जाएगा, इधर ही रुक जाएगी और हर चीज ठंड पड़नी चालू हो गई तो ये सारी उगनी चालू हो जाएगी प्याज। ठीक है जी, ठीक है जी, पुरानी प्याज है तो इस वजह से किसान तो निकालेगा जी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, चलिए जी, बस हम तो यही बोलेंगे किसानों को कि निकालते रहो, बेचते रहो, पैसे डाल के जेब में नाचते रहो और अगले साल फिर मालिक की कृपा से इस बार रेट इनको ठीक मिला, सबको रेट ठीक मिला है और मिलता रहना चाहिए, और अभी भी रेट ठीक ही मिल रहा है, इतनी अराइवल के बावजूद भी ये रेट मिल रहा है तो कम थोड़ी है। ठीक है, बस अगले साल भी ऐसे ही बना के रखना माहौल भी सारा सीजन पर। हम क्या बनाएंगे, ईश्वर करके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। ठीक है जी, एक बार बाबू जी राजस्थान के रेट बता दो जी सारे, राजस्थान के।
राजस्थान के भी भाजी वही रेट है समझो, 40 रुपए से लेके और 45-46 रुपए तक। और जैसे माल है एमपी सुपर मान लो तो वो 1900 रुपए भी बिक जाता है, 47-48 रुपए भी बिक जाता है। और एक बार एमपी के बता दो ज्यादा आज मेरी आ रहा है जी। एमपी के माल भी 40 रुपए से लेके, बता रहा हूँ 40 रुपए से लेके और 47-48 रुपए तक बिका है जी। ठीक है जी, महाराष्ट्र के 52 रुपए तक चले गए जी, समझ लो बस। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मार्केट को संभाले रखो और खाली करते चले जाओ जी, बेचते चले जाओ बस अब तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए जी। और ये जो बाहर के प्याज आ रहे जी, ये तो बताया नहीं आपने, क्वालिटी कैसी आ रही जो बाहर के आए हैं प्याज, नए वाले? नए बाहर के भाई, ये नई क्वालिटी ठीक है अभी इनकी, देखो कर्नाटक की जो है क्वालिटी मीडियम है, लेकिन अभी प्याज जो आ रही है वो खराब नहीं है, लेकिन अब बरसातें तो आप पड़ रही है, चालू है 2-3 दिनों बरसातें वहाँ पड़ी है। अच्छा, अब आगे क्या बनता है ये तो आगे पता चलेगा जी। अच्छा, सोलापुर से भी माल आया जी? सोलापुर से ना, कोल्हापुर? कोल्हापुर से नहीं जी, कोल्हापुर से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, बरसातें तो उधर भी हो रही जी अब, क्योंकि टमाटर वालों के काफी फोन आए, कॉमेंट आ रही है। उधर वही कह रहा हूँ कि उधर भी बरसातें पड़ रही है, तो उधर भी अब बरसातों का जो अब बरसात पड़ रही है इसका असर 5-7 दिन बाद देखने को मिलेगा ना जी, क्योंकि अभी जो माल अभी जो माल आ रहा है इन बरसातों से पहले का निकला हुआ माल है ना जी। अच्छा जी, क्योंकि जो अभी वीडियो बनी ना मेरी टमाटर की, उसने बताया बहुत ज्यादा नुकसान हो गया टमाटर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए जी, हम तो कहें जी सब का भलो हो जी, नुकसान न होए, नुकसान न होना चाहिए जी। ठीक है जी, सबकी मेहनत है जी लगी। धन्यवाद बाबू जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम।